नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सारे देश में 3 जनवरी को बहुजन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वह क्यों मनाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब से भी पहले दलितों के लिए आवाज उठाई गई थी? सावित्रीबाई फुले वह पहली शिक्षित महिला थी जो दलित समाज से बाहर निकलकर शिक्षा पाई थी। वैसे तो दलित समाज के लोगों को उनके ही समाज ने महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दे रखा था। वह अपने ही धर्म की महिलाओं को दबा कुचला कर रखे जाते थे। महिलाओं को किसी भी चीज का अधिकार नहीं था। सावित्रीबाई फुले ने खुद पढ़ाई की, वह अन्य महिलाओं को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। आइए हम जानते हैं कौन थी वो पहली महिलाएं जिन्होंने दलित लोगों के लिए आवाज उठाई, महिलाओं को शिक्षित किया, उनके लिए विद्यालय भी खोले। वह महिलाएं थी सावित्रीबाई फुले, भारत की प्रथम शिक्षिका महिला और समाज सुधारिका। वह मराठी कवयित्री थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले गोविंदराव के साथ मिलकर महिलाओं के शिक्षा व उनके अधिकारों के लिए उल्लेखनीय काम किए। वह प्रथम शिक्षक महिला थी। उन्हें आधुनिक काव्य का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने बालिकाओं के लिए विद्यालय की स्थापना की थी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोजी देव से था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1840 में ज्योतिबा फुले से हुआ था। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका स्कूल की प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। महात्मा ज्योतिराव फुले को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। ज्योतिराव फुले महिलाओं की शिक्षा और दलित लोगों की शिक्षाओं के लिए अथक प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। सावित्रीबाई फुले ने अपना जीवन एक मिशन की तरह जिया। उन्होंने का उद्देश्य था कि विधवा विवाह कराना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं को शिक्षित करना व दलित जाति की महिलाओं को मुक्ति दिलाना और शिक्षित करना। सावित्रीबाई फुले एक कवयित्री भी थी और उन्हें मराठी आदि कवयित्री के रूप में भी जाना जाता है। सामाजिक मुश्किलें। सावित्रीबाई फुले जब स्कूल जाती थी तो जो विरोधी लोग थे उन पर पत्थर मारते थे, वह गंदगी भी फेंकते थे। क्या आप जानते हैं आज से 160 साल पहले बालिकाओं के लिए जहां स्कूल खोलना पाप माना जाता था, वहीं पर ज्योतिराव फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने दोनों ने मिलकर बालिकाओं के लिए जो विद्यालय खोले थे वो कितनी मुश्किल और कितनी कठिनाइयों से खोले होंगे। सावित्रीबाई फुले पूरे देश की महानायिका मानी जाती है। उन्होंने हर धर्म हर बिरादरी के लिए काम किया है। जब वह कन्याओं को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी फेंकते, कीचड़ फेंकते, पत्थर मारते व गोबर भी फेंकते थे। उनकी साड़ी पूरी तरह से गंदी हो जाती थी। वह अपने साथ एक थैले में एक साड़ी और लेकर जाती थी। जब वह स्कूल पहुंचती थी तब उस गंदी साड़ी को उतार देती और जो थैले वाली साड़ी है उसे पहन लेती। फिर वो कन्याओं को शिक्षा देती थी, उनको अपने पथ पर चलने की अच्छी प्रेरणा देती थी। पुणे जैसे शहर में सन 1848 में ज्योतिबा फुले ने अपने पति के साथ मिलकर और अन्य जाति की 9 कन्याओं के साथ एक विद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष में ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर 5 विद्यालय खोलने में सफलता पाई। तत्कालीन सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया। सन 1848 में एक प्रिंसिपल को, महिला प्रिंसिपल को विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, उसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। सन 1848 में जहाँ महिलाओं को दबा कर रखा जाता था, वहीं पर सावित्रीबाई फुले ने खुद तो शिक्षा पाई ही बल्कि अन्य जाति की महिलाओं को भी शिक्षा के लिए प्रेरित किया और उनकी शिक्षाओं के लिए बंदोबस्त भी किया। मृत्यु 10 मार्च 1897 में प्लेग की महामारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वह एक महामारी प्लेग के बच्चे का इलाज कर रही थी कि उसी से उनको भी वह छूत के कारण बीमारी हो गई और उनकी मृत्यु उसी के कारण हो गई। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।